बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं पैरोल एकिन से। तो मान लीजिए अगर आप डिजिटल बोर्ड से कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपका जिस पे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड आप बच्चों को साथ के साथ इमेज भी दिखाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे किस तरीके से आप अपने किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कैसे इमेज को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, किस तरीके से इसको इम्पोर्ट करोगे, कैसे इस पर समझाओगे, कैसे इसको एनोटेट करोगे, क्या उसको सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ओके, सपोज कीजिए आपका कोई एक टॉपिक है आपका कलर। आपको स्टूडेंट्स को कलर के बारे में बता, इससे रिलेटेड आपको इमेज भी चाहिए कि कौन सा कलर किस तरीके का दिखता है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे आपका जो इमेज है, जो आपका एक कलर व्हील है, हमको उस इमेज को यहाँ पे लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, देखिए यहाँ पे मेन्यू में आपको ऑप्शन दे रखा है इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किस तरीके की इमेज आपको यहाँ पे, मतलब किस तरीके की फाइल आपको यहाँ इम्पोर्ट करनी है। इमेज PDF, SVG, IWV। अगर आपको वो कंटेंट PDF में यहाँ पे इम्पोर्ट करना है तो आप PDF पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेकिन आपका भी जो कंटेंट है आपको यहाँ पे हमें इमेज को इम्पोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इमेज को क्लिक कर दिया। अब आपकी वो इमेज किस फोल्डर में है वो यहाँ पे सारा आ जाएगा। मेरी जो इमेज है वो डाउनलोड्स में थी, ये मैंने ओके कर दिया। अब अपन देखते हैं जो अपन ने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है, क्या अपन उसका साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ इस तरीके से पकड़ा और मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या हम इसको मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं? तो सिंपली इसे यहाँ से इस तरीके से आप मूव भी कर सकते हैं। आप चाहें इसको यहाँ रख दीजिए, आप चाहें इसको यहाँ रख दीजिए। मैंने इसको यहाँ रख दिया और थोड़ा सा जूम कर दिया। ठीक है, अब आता है कि आपको इस पे वर्क कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, स्टूडेंट्स को समझाना कैसे है। तो उसके लिए हमें एनोटेट के लिए यहाँ पे पेन सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपका जो पेन टूल वाला ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मन चाहे आपका कलर जो भी आपको यूज करना है पेन का आप यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज आपका बैकग्राउंड अभी रेड है तो आप रेड कलर नहीं लेना चाहते हो, तो उसके अलावा आप यहाँ पे येलो, स्काई ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, अभी मैंने इसको व्हाइट से किया है एरो और बैक साइड से मैंने इसको ब्लैक से, इस तरीके से आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो अभी अपन यूज करते हैं कि किस तरीके से आप इमेज का पढ़ाने में यूज ले रहे हैं। पेन टूल मैंने सिलेक्ट किया, मुझे बच्चों को बताना है ये जो कलर है ये कौन सा कलर है, रेड। इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ये मैंने एरो किया, ये कौन सा कलर है, येलो। तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। कंटेंट आपने काम किया है इस पे सारा, उसको सेव भी कैसे कर सकते हैं? तो सपोज किसी आपने पूरा यहाँ पे काम कर लिया, आपने बच्चों को बता दिया था कि ये कलर ये है, ये कलर ये है, अब आपको इसको एज इट इज सेव करना है। तो सेव करने के लिए भी आप मेन्यू में जाओगे, सेव का ऑप्शन है, लेकिन आपको ये सेव करना है PDF फॉर्मेट में। तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एक्सपोर्ट का। आप जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे आप उसको किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं आप इसको इजीली यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे PDF में करना है, PDF पे क्लिक करूंगी, आपका पूरा एक इंटरनल जो स्टोरेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको किस फोल्डर में आपकी फाइल को सेव करना है वो भी आप कर सकते हैं। अभी मुझे ये डाउनलोड्स में ही करना है। ठीक है, मैंने ओके किया। फाइल रीनेम का आपके पास एक ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे फाइल का नेम भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने फाइल का नेम अभी यहाँ पे डाल दिया है कलर एंड ओके कर दिया। तो आपका जो एक कंटेंट जो आपने सेव किया है वो इजीली यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे इसको ओपन करना है, मैं आसानी से इसको ओपन कर सकती हूँ। एक ही पेज था, एक ही पेज पे हम काम कर रहे थे और ये आसानी से यहाँ पे सेव हो गया। सो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको किसी इमेज पे उस टॉपिक पे आपको स्टूडेंट्स को समझाना है तो किस तरीके से आप उस इमेज को लेके आ सकते हैं, उसको वह काम कर सकते हैं, उस पूरे कंटेंट को आप सेव कर सकते हैं। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।